नमस्कार, न्यूज 18 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक ऐसे नेता जो कि युवा हैं, तेज तर्रार हैं और इनको आप राहुल गांधी के साथ संसद से लेकर सड़क तक देखते रहते हैं, हर तरह के संघर्ष में, हर तरह के आंदोलनों में। तो सबसे पहले सर, ये एक सभी लोग आश्चर्य करते हैं, आप लोग जो टीम है, राहुल गांधी हुए, आप हुए, बाकी जतिन जी हुए, सचिन जी हुए, सब लोगों को इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, फिट कैसे रहते हैं? क्या राज है इतना फिटनेस का आप लोगों की, इतना मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मैं दूसरों की तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, पर मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके थोड़ा परहेज में रहना और थोड़ा खाना सीमित रूप से खाना। मैं एक्सरसाइज करने में बहुत मुझे आनंद आता है, लेकिन कई लोगों ने मुझे सिखाया है कि रहस्य फिटनेस का केवल एक्सरसाइज अपने आप में काफ़ी नहीं होता, लेकिन उसके साथ थोड़ा अपने डाइट पे भी कंट्रोल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी ये पूरा अगला साल इलेक्शन का साल है, अभी काफ़ी आप लोगों की फिटनेस टेस्ट होने वाली है, और मध्य प्रदेश खासतौर पर आपका जो होम ग्राउंड है, वहाँ पर लास्ट ईयर भी किसान आंदोलन हुआ, वहाँ भी आपने काफ़ी जोर शोर से किया, अभी इलेक्शन दो उपचुनाव निपटे हैं और वो शिवराज सिंह चौहान वहाँ इंतजार कर रहे हैं आपको कि आपको माला पहनाई जाए और आप वहाँ जाएं, तो आप इसके लिए तैयार हैं क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रजातंत्र में अनेक विचारधारा रहना इस देश की इतिहास और परंपरा रही है, और मतभेद भी होना प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह जी की जहाँ तक बात है, उनको बहुत रुचि है हारों में, और मैं मानता हूँ कि सर्वविदित है कि कोलारस और मुंगावली की जनता ने तो उन्हें एक बहुत बड़ी हार तो पेश कर दी है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए वो स्टेट जीतना एक ऐसा स्टेट जो कि 15 साल से नहीं रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और केवल कांग्रेस के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन कर्नाटक के बाद इन चारों राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रहे, ये अनिवार्य है कांग्रेस के लिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, और मैं मानता हूँ कि हम लोग सब एक ही सोच विचारधारा के साथ जमीनी स्तर पर हम लोग अब तैनात हो चुके हैं, हमारी कार्यकर्ता में भी बहुत मनोबल बढ़ा है, और मेरी तो ये सोच है रवि जी कि अब ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की भविष्य की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि अब ताक पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा केवल नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की साख अब ताक पर रखी गई है। लेकिन इसमें जो एक चेहरे की बात होती है कि शिवराज सिंह चौहान उधर से हैं, इधर से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? देखिए, हम लोग सब लोग एक संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के बारे में आप लोग सदैव आलोचना करते थे, और एक सही आलोचना भी थी। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में जब कोई सकारात्मक आलोचना करे तो उस आलोचना को भी सम्मान देना, उससे अपना अपनी त्रुटियों को कम करना, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये एक सकारात्मक आलोचना थी आप लोगों की कि कांग्रेस में बहुत सारे धड़े हैं और फैक्शनलिज्म बहुत है, तो पिछले 1-1.5 सालों से हम लोगों ने हर मुद्दे पर विचार विमर्श करके आगे का रास्ता और आगे का फासला हमने तय किया है, और उसी का परिणाम है कि आपने देखा है कि पिछले 1 वर्षों में जहां 5 उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, शुरुआत भिंड के अटेर से हम लोग करें, उसके बाद झाबुआ की लोकसभा, उसके बाद चित्रकूट की विधानसभा, और अब कोलारस और मुंगावली की विधानसभा, इन 5 विधानसभाओं ने जनता ने पूर्ण अपना आशीर्वाद कांग्रेस को प्रदान किया है, और इसी एकजुटता, एक सोच विचारधारा और सबको साथ में लेकर कार्य करने की पद्धति के आधार पर आज ये परिणाम हम सबके समक्ष आए।
कांग्रेस साथ एक और इशू है कि वहां पर संसाधनों की बहुत कमी है। कांग्रेस ने भी वहां पे कहा कि जो आवेदन करेंगे टिकट के लिए 50,000 रुपए जमा करवाने की बात है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। और हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि उस विचारधारा को अब हम लोग वापस लें और वो नियम को भी हमने रद्द कर दिया, जैसे आपने स्वयं उल्लेख किया। मैं मानता हूं कि इस देश में चुनाव जीता जाता है पैसे से नहीं, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद आपने भी अनुभव किया होगा कोलारस और मुंगावली, कि जितना पैसा इन्होंने बहाया, नदियों की तरह बहा दी, पिछले 36 घंटे में तो करोड़ों करोड़ रुपए बहा दी, इतना कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पुलिस की पृष्ठभूमि होनी चाहिए थी वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निभाई, जहां भाजपा के मंत्रियों को पकड़ा गया था पैसे के साथ, लेकिन उसके आधार पर भी वो जीत ना पाए। पैसा शायद वर्तमान की राजनीति में एक जरूरी भाग बन चुका है, लेकिन एक अकेला भाग नहीं है। चुनाव इस देश में या कोई भी महत्वपूर्ण युद्ध इस देश में मूल्य, सिद्धांत, मनोबल, इच्छा शक्ति, विचारधारा, सोच, जनता के समक्ष किस ब्लूप्रिंट मानचित्र को आप लेके जाओगे, तो आपका उसके आधार पर जीती जाती। मुद्दे क्या होंगे मध्यप्रदेश में जनता समझाने के लिए, क्या एजेंडा रहेगा? हमारा मुद्दा साफ है, एक तरफ भाजपा की सारी विफलताएं, जिसका अगर मैं उल्लेख करना शुरू करूं तो शायद शाम तक आप और हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, जहां और तो और छोड़ दो, यहां तो अब किसान की छाती पर गोली चलाने की मुहिम चल चुकी है, चाहे कृषि की आपातकालीन वातावरण को हम कहें, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, चाहे आज बेरोजगार हमारा नौजवान भटक रहा है, 8.5% बेरोजगारी का दर आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, देश में नंबर दो है। चाहे मैं मानता हूं सामाजिक सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे सामने है, जैसे कि कुपोषण, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, डॉक्टर नहीं हमारे पास, शिक्षक नहीं, शिक्षक कतार में खड़े हुए हैं, अपने सिर तक हमारी महिलाओं को मुंडन करना पड़ा, पर हमारे मुख्यमंत्री और ये भाजपा की शासन पूरी तरह से गूंगी और बहरी रह गई। तो इन सब व्यवस्थाओं को हमें ठीक करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण एक अमन चैन का वातावरण तैनात करके मध्य प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करना होगा, किसानों के लिए विकास हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, और क्षमताएं आपके और हमारे प्रदेश में अपार हैं, लेकिन 15 साल से केवल हमारे प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कभी इन्वेस्टर्स मीट की घोषणा की जाती है, 3.5 लाख MOU इस साल हस्ताक्षर हुए, 5.5 लाख करोड़ के MOU अगले साल हस्ताक्षर हुए। आप मुझे बता दो कि 14 वर्षों में आप मुझे बता दो कि कौन सी औद्योग की इकाइयां मध्य प्रदेश में 500 करोड़ या 1,000 करोड़ से ज्यादा स्थापित हुई हैं। मुझे ये तमाम मुद्दे तो आपके पास हैं, आपके पास नेता भी हैं मध्य प्रदेश में, बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो कि सक्षम हैं सरकार को लाने में, फिर भी वहां पे गुजरात से हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर की मदद ली जा रही है, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को? देखिए, ये आपको इस बात से आपत्ति क्यों है, और आपको इस बात से आपत्ति जानना चाहते हैं, सवाल है ये। नहीं नहीं, आपको इस बात से आश्चर्य क्यों है? आप क्या भूल गए कि अभी गुजरात में चुनाव हुए थे, अभी अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, केंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट वहां बैठी हुई थी, 230 सांसद वहां बैठे हुए थे, पूरी RSS और BJP की शाखा पूरे देश भर की वहां बैठी हुई थी, तो ये प्रश्न आपने नहीं पार्टी के मंत्री थे, सांसद थे। हार्दिक पटेल तो अभी कांग्रेस के नहीं है, उनको हार्दिक के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है और उनका स्वागत है, एक सोच विचारधारा हो, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की मंशा हो,
मैं ऐसे व्यक्ति का स्वागत करता हूं। मेरी चर्चा कई बार उनसे हुई है, उनमें जो एक मनोबल है और एक इच्छा शक्ति है वही दिखाती है कि जिस तरीके से अन्याय के विरुद्ध आज का भारत का नौजवान खड़े होकर हर चीज का सामना कर रहा है, क्या क्या भाजपा ने उसके विरुद्ध भी षड्यंत्र न किया हो, लेकिन आज भी वो नौजवान अड़ग बैठा हुआ है। ये तो नौजवानों की बातों की नौजवानों की टीम है वो, जो कि और हमारे पास मध्य प्रदेश में कई नेता हैं, एक एक जिले की बात आप छोड़ दो, एक एक गांव में, एक एक वार्ड में कांग्रेस का सिपाही खड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि कांग्रेस में किसी बात की कमी नहीं है। एक नया मानचित्र के साथ हम चलें, ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं में हम भरें, मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हमारे कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता मिलकर करेगी। सर, ये आप लोग जो कांग्रेस के युवा नेता हैं वहाँ पे, आप लोग बड़े नाम हैं, जो आप सिंधिया जी हैं, अरुण यादव जी हैं, राहुल भैया हैं, इनके अलावा और कौन युवा नेता आपको दिखते हैं वहाँ पे जो कि इस कैंपेन को आगे ले जा सकते हैं? महिला नेत्रियां कौन सी दिखती हैं? ट्राइबल नेता कौन सीखते हैं? ऐसे आप 10-10 के क्या आप बता सकते हैं? हमारे पास एक नहीं, 10 नहीं, हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, हमारे पास सैकड़ों नेता हैं, चाहे बाला बच्चन जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, अरुण यादव हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अनेक विधायक हैं, अनेक पूर्व विधायक हैं, अनेक नौजवान कार्यकर्ता हैं, हमारे पास फौज की कमी नहीं है। और मैं मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। सर, फौज को एक सेनापति भी चाहिए। हाँ, और हम लोग सब लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी यात्रा पे हैं, आपको कितना उसका लाभ पार्टी को मिल सकता है? देखिए, ये उनकी निजी यात्रा है और मैं उनको दाद देता हूं, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही मुश्किल और दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर ही कोई व्यक्ति ऐसा कार्य पूर्ण कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं मानता हूं कि इस यात्रा समाप्त होने के बाद वे भी हम सब के साथ मिलकर कांग्रेस का मार्ग 2018 के नवंबर के लिए, मध्य प्रदेश का मार्ग हम लोग साथ में मिलकर प्रशस्त करेंगे। सर, अभी बाकी जगहों पे जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी आपकी सपा से, बसपा से या गुंडवाला गठबंधन पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा हम लोग इस चर्चा की शुरुआत हम लोग करेंगे। मैं नहीं मानता कि राजनीति में कभी भी कोई भी दरवाजा आपको बंद रखना चाहिए, सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक सोच, एक विचारधारा जिन दलों में हो उनको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, लेकिन इस पर अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर अब जैसा सिचुएशन डेवलप होगा हम लोग आपको बताते हैं। कोलारस मुंगावली में एक चीज खास देखी गई कि इलेक्शन काउंटिंग मैनेजमेंट जो है ना, आप लोगों ने बहुत वन टू वन मार्किंग जैसा किया था और अभी अधिवेशन में पार्टी ने मांग की बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, तो ये क्या इसके पीछे रणनीति, क्या सोच है, किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारी सोच विचारधारा है कि हमें भारत के निर्वाचन आयोग में पूर्ण विश्वास है। ये सारा ईवीएम का जो विषय उठा था, अगर आपको याद हो तो ये अटेर के चुनाव से ही उठा था, जब मशीन के बटन दबाने में कमल का फूल, जो भी बटन दबाओ कमल के फूल में वोट जा रहा था, और उस समय में भी फौरन सारे मशीन्स को बदले गए, दोबारा सिक्योरिटी का चेकिंग किया गया, सभी मतदाता प्रभारियों के सामने उनके द्वारा ही चेकिंग किया गया, और उसी के आधार पर एक निष्पक्ष चुनाव का नतीजा निकला। लेकिन प्रश्न यह है कि जब किसी भी प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है उस प्रजातंत्र की मान्यता को सुरक्षित रखना, और जब कोई भी प्रश्न उठे किसी भी प्रक्रिया पर, तब अगर 100% नहीं लेकिन 200% विश्वसनीयता रखनी होगी, तो हमको वापस उस सिस्टम में रिवर्ट करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो एक चुनाव सुधार का एक हिस्सा था, अब वो चर्चा हम लोग करेंगे।
सर इसको लेकर के अब यूपी में भी गठबंधन की बात हो रही है, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अब लोकसभा चुनाव अगले साल है, तो कांग्रेस वहां पर एक छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, तो किस तरह से आप लोगों को लगता है कि जो नंबर्स हैं वो पूरे देखिए, हो ये चर्चा कांग्रेस पार्टी हमारे सभी सहभागी दलों से हम लोग कर रहे हैं। क्या अंतिम परिणाम होगा, किस तरीके की गठबंधन हम लोग तैनात करेंगे, ये तो अभी समय बताएगा, समय के गर्भ में है। पर हमारी प्राथमिक सोच यही है कि सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टी, उदार विचारधारा के पार्टी, सांप्रदायिक सद्भाव के पार्टी एक साथ मिलकर इस देश में एकता, अखंडता और भाईचारा की भावना उत्पन्न करने के लिए एक साथ मिलकर हम लोग कार्य करें। एक और आपने भी जिक्र किया कि उपचुनाव 4-5 जीते हैं अभी पिछले हाल ही में कांग्रेस ने एमपी में, बाकी जगहों पर जीते, राजस्थान में भी जीता है, तो उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जो मेन चुनाव आते हैं जैसे पिछले हम विधानसभा की बात करें तो जब ये 2013 में चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस को ऐसा लगा था तो कि मुंह में इसलिए ये ये देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये आपकी सकारात्मक सोच विचारधारा है, जहां आप सकारात्मक सुझाव दे रहे हो। मैं नहीं मानता कि केवल उपचुनाव के परिणाम से हम लोगों को संतुष्ट होना होगा। अभी हमारे पास 8 महीने बाकी हैं और बहुत सारा काम हमको करना है। नहीं, मेरा सवाल ये, कमी कहाँ रह जाती है, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी इतने सारे अब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतिहास तो अब इतिहास बन गया, लेकिन अभी से हमको अगले 8 महीने के लिए हमको कार्य करना है। और मैं तो ये मानता हूं कि हम लोगों को महीनों की गणित नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें दिनों की गणित रखनी चाहिए। 240 दिन है और एक एक दिन हमारे लिए सोने के समान है, अति महत्वपूर्ण है। और एक एक दिन में हर टारगेट को हमें मीट करना होगा, अगर उस जनता की आशा और अभिलाषा पर हमें उतरना होगा। कांग्रेस ने जब पंजाब में एक चेहरा दिया अमरिंदर सिंह जी का, तो वहां पे कांग्रेस को सफलता मिली अच्छी है, आपको नहीं लगता कि यहाँ भी पहले से चेहरा दे के जाना चाहिए कांग्रेस को, देखिए, बाकी हर जो राज्य की जो केमिस्ट्री है, हर राज्य में जो फैक्टर होते हैं वो अलग होते हैं। ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होती। जो भी निर्णय हाईकमांड लेगी, मैं मानता हूं कि उचित निर्णय होगा और हम सबको कांग्रेस के सिपाही के रूप में उस निर्णय के अधीन कार्य करके जनता के लक्ष्य पर हमें उतरना होगा। हमें अपने आशा और अभिलाषाओं के आधार पर नहीं, लेकिन सेवा भाव के आधार पर कार्य करना होगा। मोदी सरकार एक और काम कर रही है कि वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की पहल कर रही है, उस पर चर्चा कर रही है, बहस उस पर छिड़ी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी बना दी उस पर डिस्कशन के देखिए, लिए। मध्य प्रदेश सरकार हर चीज पे कमेटी बनाती है, तो उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, अगर ऐसा तो ये लोग चुनाव कब करें, कैसा करें, हम लोगों को अपनी तैयारी पर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। और हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि चुनाव कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें महीनों में नहीं लगना है, हमें एक एक दिन को कीमती मानकर हमको करना है, काम करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ी बात ये कही जाती है कि जितने बड़े नाम हैं कांग्रेस नेताओं के, उनके बीच में उतना ही ज्यादा तल्खियां हैं, समन्वय नहीं है, कोई ना और कोई उस प्रश्न का तो उत्तर मैंने आपको दे दिया कि अब तो एकता की के धागे के आधार पर हम लोग सब बंध चुके हैं। अब दिग्विजय सिंह जी यात्रा पे हैं, वहां पर बात हो रही है कि शायद राहुल गांधी जाएंगे उनकी यात्रा में, या क्या प्रोग्राम बनेगा उनका, तो क्या वहां से जो एक बात हो रही है कि बाकी जगहों पर जैसे गुजरात में हुआ या कर्नाटक में जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों में, कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का भी एक वो मैसेज देखिए, उनके पीछे अगर भी। कोई देश का नागरिक अगर कोई मंदिर में जाए तो ये भाजपा के लिए मुद्दा बन जाता है। आपकी आस्था, आपका धर्म, आपकी निजी जगह है और किसी को इस पर टिप्पणी करना
या इस पर मुद्दा बनाना, ये मानता हूं मैं कि ये यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध जो ये सरकार ने मुहिम पूरे देश में चलाई है, इसी के विरुद्ध तो अब आमजन खड़ा हो चुका है। असहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करना, आरक्षण को नष्ट करना, मेरा रास्ता या भाड़ में जाओ, ये सोच विचारधारा, ये भारत की सभ्यता नहीं रही है। और इसके विरुद्ध ही देश की जनता आज पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कि इस भाजपा की विदाई करनी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में। ये आखिरी सवाल सर प्रदेश का, कि ऐसा जनरल एक इम्प्रेशन है कि सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी के रिश्ते जो है वो मधुर नहीं है और उसमें कहीं तलखी है, तो किसमें कितनी सच्चाई में, तो क्या ये इम्प्रेशन जो है? दिग्विजय सिंह जी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे आदरणीय हैं, उनके साथ सदैव अच्छे रिश्ते हम दोनों ने कायम रखे हैं और मैं मानता हूं कि हम दोनों एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता की सरकार साथ में हम सब मिलकर स्थापित करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप बने रहिए न्यूज 18 हिंदी के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें, साथ में हमारे पेज को भी लाइक करें और उसको शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।